गुरसराय रोड छिरौरा सुट्टा प्रतीक्षालय संपर्क मार्ग पर चेकिंग के दौरान मुठभेड़ में खैरो ग्राम के पड़ी डकैती के दो बदमाश और पुलिस के बीच हुई फायरिंग में दो बदमाश में से एक को गोली लगी, दूसरा गिरफ्तार हो गया। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुरसराय भेजा गया। पुलिस एवं बदमाशों के बीच फायरिंग हुई है। जानकारी के अनुसार बदमाश मोटरसाइकिल में सवार होकर एरच की ओर जा रहे थे। इसी बीच छिरौरा प्रतीक्षालय के पास चेकिंग के दौरान पुलिस देख बदमाश भागने लगे। इसी बीच पुलिस एवं बदमाशों के बीच फायरिंग हुई, जिसमें एक नुनार निवासी अजय हिरवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया तथा मझगोमा थाना राठ निवासी अर्जुन के पैर में गोली लगी, जिसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुरसराय में लाया गया है, जहां प्राथमिक उपचार कर मेडिकल कॉलेज झांसी रिफर कर दिया गया है। बदमाशों के पास बैग में लगभग 3,80,000 रुपए सहित सामान बरामद हुआ है। मुठभेड़ में एसपी आरएसीओ गरौठा विवेक सिंह, रक्षा थाना प्रभारी अरुण कुमार तिवारी, एसओजी प्रभारी केपी सिंह, थाना अध्यक्ष गुरसराय ललित तेज त्रिपाठी, एरस थानाध्यक्ष अशोक कुमार उपाध्याय, अजय यादव, मऊ रानीपुर इंस्पेक्टर सतीश कुमार सिंह, मोहम्मद हारून सहित भारी पुलिस बल तैनात। पुलिस द्वारा मुठभेड़ किया गया, इसमें आपको क्या कहना है? ये आज गुरसरायपुर थाने के हर सिंगार तिराहे पे स्वाट टीम प्रभारी एसएचओ गुरसराय, एसएचओ मऊरानी, एसओ रक्षा द्वारा चेकिंग की जा रही थी। उच्च अधिकारियों द्वारा जो गुरसराय में डकैती हुई थी, उसी के संदर्भ में पुलिस को सूचना मिली थी, तो यहाँ चेकिंग लगी हुई थी। तो एक मोटरसाइकिल पर दो सवार व्यक्ति आ रहे थे, तो पीछे पुलिस को देखकर पीछे वाले लड़के ने गोली चलाना शुरू कर दिया, जिससे पुलिस ने उसको लड़कारा, चेतावनी दी, लेकिन वो फिर भी नहीं माना। पुलिस ने दौड़ाया तो वो मोड़ के भागने का प्रयास किया तो मोटरसाइकिल गिर गई, लेकिन गोलीबारी लगातार उसके द्वारा जारी रही, जिससे पुलिस द्वारा आत्मसुरक्षार्थ गोली चलाई गई, जिससे उसके पैर में गोली लगी, वो घायल हो गया। उसे सीएससी गुरसराय भेजा गया, साथ ही उसके साथ दूसरा साथी मौके पर पकड़ा गया, जिससे पुलिस को 3,80,000 रुपये बरामद हुआ। साथ ही वादी का बैंक पासबुक और आधार कार्ड भी मिला है। और जो व्यक्ति घायल हुआ है वो अर्जुन शिवहरे, जो रहने वाला हमीरपुर का है। दूसरा व्यक्ति जो गरौठा का है अजय सिंह, अजय अहिरवार, जो घायल नहीं है लेकिन मौके पे पकड़ा गया। उसी से पूछताछ करने पे उसने कुछ और लोगों को बताने का प्रयास किया। और ठीक है, धन्यवाद।